हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के में हम लोग देखेंगे कि वाच्य होता क्या है, यानी कि वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य के प्रकार कितने हैं, यानी कि वाच्य के भेद कितने हैं, और एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन करने का नियम, यानी रूपांतरण का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की, वाच्य की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, वाच्य और कुछ नहीं है, ये क्रिया का एक रूप है जो किसी वाक्य में क्रिया जो होती है वो कर्ता, कर्म या भाव के अनुरूप जो रूप बदलती है वही वाच्य कहा जाता है। परिभाषा इसकी है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, अर्थात वाक्य में कौन किसको प्रधान मानकर वाक्य की रचना की गई है, और जिसको प्रधान मान के वाक्य की रचना की जाती है उसी के अनुरूप क्रिया विकृत हो जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। अब देखिए, मैं तीन प्रकार के वाक्य पढ़ने जा रहा हूँ, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि तीनों ही वाक्यों में जो क्रिया है वो कैसे रूप बदल रही है। ठीक है, देखिए, जैसे विकास पुस्तक पढ़ता है, दूसरा शब्द देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, और तीसरा देखिए मोहन से चला नहीं जाता है। अब देखिए, पहला शब्द जो है विकास पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, यानी कि विकास प्रधान है। दूसरे में क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि दूसरा जो वाक्य है ये कर्म प्रधान वाक्य है, और तीसरा वाक्य जो है मोहन से चला नहीं जाता है, तो इसमें भी मोहन से ये भाव प्रधान वाक्य है, तो इसमें जो क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, पहले में कहा जाएगा कर्तृवाच्य, दूसरे में कहा जाएगा कर्मवाच्य, और तीसरा जो होगा उसे कहा जाएगा भाववाच्य। ठीक है, अब आगे इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, कर्ता प्रमुख वाक्य वाक्य हैं, लेकिन इसमें वाच्य जो होगा वो बदल जाता है, इसमें जो वाच्य होता है वो कर्ता के अनुरूप होता है। जैसे रवि विद्यालय जाता है, गरिमा पत्र लिखती है, वह जोर से हंसता है, या फिर चलो चलें, लोग ऐसे भी तो बोलते हैं चलो चलें। अब देखिए, इसमें कर्ता जो है प्रमुख है, इसलिए ये जो वाक्य हैं वो कर्ता प्रमुख वाक्य कहे जाएंगे, और इसमें जो वाच्य यानी क्रिया का रूप है वो कर्ता के अनुरूप बदल रहा है। रवि जाता है, अगर यहाँ सीमा होती तो सीमा विद्यालय जाती है हो जाता, मतलब जाता जाती में बदल जाता। गरिमा पत्र लिखती है, अगर यहाँ पे सोहन होता तो लिखती लिखता में बदल जाता। वह जोर से हंसता है, अगर ये मतलब कि ये अगर पुल्लिंग में लिया गया और अगर ये स्त्रीलिंग में लिया जाता तो वह जोर से हंसती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं इसमें कर्ता प्रमुख होता है, और इसमें जो क्रिया होती है वो कर्तृवाच्य कही जाती है, यानी कि कर्तृवाच्य कही जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कर्म प्रमुख वाक्य, इसमें क्या होता है, जो कर्म होता है उसको प्रधानता मिलती है। ठीक है, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा भोजन पकाया जाता है, यानी कि इसमें पत्र और भोजन को प्रधानता मिल गई है, तो ये तो कर्म हो गया। अब इसमें जो क्रिया है लिखा और पकाया, ये राम के हिसाब से नहीं बदल रहा है, ये जो कर्म के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो है कर्म प्रमुख वाक्य हैं। और देखिए, भाव प्रमुख वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें सिर्फ भाव दर्शाया जाता है, और इसमें जो है एक तरह से ये अकर्म क्रिया के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें भाव प्रमुख होता है, जैसे बच्चों से दौड़ा नहीं जाता है, पंछियों से उड़ा नहीं जाता है, मुझसे सोया नहीं जाता है, या बीमार व्यक्ति से खाया नहीं जाता है, ये सिर्फ भाव होता है, इसमें जो कर्म नहीं होता है, एक तरह से जैसे इसमें कर्म बिना किए ही एक भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वाच्य के भेद, यानी कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं।
तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच यानी कि एक्टिव, कर्मवाच यानी कि पैसिव और भाववाच्य। ठीक है, भाववाच यानी कि इम्पर्सनल वॉयस। अब देखते हैं हम कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है, मतलब कर्ता मुख्य होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जो क्रिया का रूप बदलता है उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम पत्र लिखता है, गीता भोजन बनाती है। अब दोनों ही वाक्यों को आप देखिए, इसमें क्या है, लिखता और बनाती, ये दोनों राम और गीता के हिसाब से हैं, उनके अनुसार हैं। अगर राम स्त्रीलिंग होता तो ये लिखता का लिखती हो जाता, गीता पुल्लिंग होती तो यहाँ बनाती का बनाता हो जाता। यानी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया का रूप यहाँ पे निश्चित ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य। ठीक है, अब देखते हैं कर्मवाच यानी कि पैसिव वॉयस। इसमें क्या होता है, इसमें काम जो होता है यानी कर्म को प्रधानता दी जाती है। जैसे भोजन बनाया जाता है, रामायण पढ़ी जाती है। अब दोनों ही वाक्यों में भोजन और रामायण इसको मुख्य कर दिया गया है, यानी कर्म को मुख्य कर दिया गया है और उसके कर्म के अनुसार क्रिया निर्धारित कर दी गई है। अब जैसे भोजन बनाया जाता है, रामायण पढ़ी जाती है, तो बनाया और पढ़ी ये दोनों ही शब्द आप देख रहे हैं, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो कर्म के अकॉर्डिंग हैं, कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल रहा है, तो यानी कि ये एक तरह से पैसिव वॉयस है। तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब हम देखते हैं भाववाच्य किसे कहते हैं। तो मैंने आपसे आपसे पहले कहा सारा मामला भावनाओं का है इसमें। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए, मतलब क्रिया का अर्थ ही केवल स्पष्ट हो, वहां पर भाववाच्य होता है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म से प्रभावित न होती हो, भाव के अनुरूप हो, भाव से प्रभावित हो, उसमें भाववाच्य होता है। जैसे उससे चला नहीं जाता है, तो इससे आप नहीं कह, इसमें आप नहीं कह सकते कि उससे चली नहीं जाती है। ठीक है, ये भाव है। उससे सोया नहीं जाता है, इसमें स्त्री पुरुष सब कुछ आ जाता है। राम से लिखा नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, यानी कि इसमें भावों को प्रधानता दे दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या होता है, कर्ता के बाद से या द्वारा जोड़ देते हैं, क्रियापद में या प्रत्यय जोड़कर जा धातु को कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए और कर्म के साथ लगी विभक्ति जो कारक चिन्ह होता है उसे हटा देना चाहिए। देखिए, विभक्ति कारक चिन्ह और धातु का जो कर्म होता है, ये सब मैंने पहले से आपको अलग वीडियोज में बनाया हुआ है, बताया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तो आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो उदाहरण देखते सब स्पष्ट हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अब हम वाक्य लेंगे और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में क्रिया का जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप देखिए। अब देखिए ये क्या हो गया, रानी चिट्ठी पढ़ती है। ठीक है, अब इसको ये चिट्ठी पढ़ती है, ये कर्तृवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य में होता तो रानी के द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है। आपने देखा ना कि यहाँ पे जो है कर्म के अकॉर्डिंग जो है क्रिया का रूप बदल रहा है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य, सीता फूल तोड़ती है। ठीक है, तोड़ती, देखिए अब सीता के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, ये कर्मवाच्य हो गया। अब सिपाही ने चोर पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि भावनाओं में बहाना कैसे होता है। देखिए, जैसे मैं नहीं सोता हूँ, ये कर्तृवाच्य हो गया, इसमें मैं प्रधान हो गया। ठीक है, मैं कर्ता हूँ और मैं प्रधान हो गया हूँ, लेकिन मुझसे सोया नहीं जाता, इसमें सोया माने कि जो कर्म है, जो एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझसे सोया नहीं जाता है, पंछी नहीं उड़ते हैं, हैं, और तो उसका जो भाववाच्य बदलेंगे आप, पंछियों से उड़ा नहीं जाता है, बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं, ये कर्तृवाच्य है, इसमें बच्चे जो होंगे ये कर्ता हो गए, लेकिन बच्चों से दौड़ा नहीं जाता है, मतलब सभी बच्चों के बारे में कहा गया कि दौड़ा नहीं जाता है, एक तरीके से इसमें जो भाव हैं वही इसमें दिखा दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो है
वाच्य क्या होता है, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं और वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। अब आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें जब आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट देंगे, टेस्ट देंगे और एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर ये पीडीएफ आपको अपनी मोबाइल में चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके, टेलीग्राम एक ऐप है व्हाट्सएप की तरह, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जाके ऐड लगा के सर्च कीजिएगा @studywithgyanprakash, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा और ये पीडीएफ डायरेक्टली आपको वहाँ पे मिल जाएगी आपके मोबाइल में। नहीं तो फिर आप मुझे studywithgyanprakash.blogspot.com पे जाके भी इस पूरे लेसन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।